तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से जो है आपको टायर को ई करके साइड करके देखना है। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिम अलाइनमेंट कितना ज़्यादा है, रिम टाल कितना ज़्यादा है, बिना चक्का खोले हुए किस तरीका से स्टील रिम वाली जो होता है, मैं एक वीडियो में आलू रिम वाली बताए थे कि बिना चक्का खोले किस तरीके से टाल बनाना है, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिम अलाइनमेंट रिम टाल किस तरीके से बनाना है बिना चक्का खोले हुए स्टील व्हील वाली। जहाँ गाइस तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्टील का व्हील है। जहाँ गाइस तो इसको हम बिना चक्का खोले हुए बिना टैटू खोले हुए हम टाल बनाने आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से बनाना है। चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइस एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों को, ये जो टाल हुआ हमारा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टाल होने का क्या रीज़न है, कुछ दिन पहले क्या हो कि ये जो रिम आप देख रही है रिम में हम सारा स्पोक नया लगाए हुए हैं, ठीक है सारा स्पोक नया लगाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि नया स्पोक एक बार लगाने के बाद आपके पास कैसा भी साइकिल हो, अगर नया चक्का भी अगर आप लगा रहे टाल बना रहे हैं तो एक बार टाल बनाने के बाद दूसरा बार आपका टाल होता है, उसके बाद अगर आप टाल बना देते हैं बढ़िया से जहाँ रिम अलाइनमेंट बढ़िया से मिलवा देते हैं शॉप में ले जाकर किंबा खुद से मिला रहे हैं तो फिर दोबारा आपका टाल जल्दी नहीं होगा। बहुत जल्दी ये चक्का का हमारा टाल हो गया। टाल होने का क्या रीज़न था, साइकिलिंग जब करते थे साइकिल जब हम चलाते हैं साइकिल को तो क्या होता है कि स्टैंड मारते हैं, तो स्टैंड मारने का वजह से अगर आप अपना साइकिल का अगर स्टैंड मारते हैं तो थोड़ा सोच समझ के स्टैंड मारा कीजिए। जहाँ गाइस रिम अलाइनमेंट मिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और रिम अलाइनमेंट जल्दी बनता भी नहीं है हर किसी से, तो इस वीडियो में वही चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप हमारे इस वीडियो को देख करके आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो रिम अलाइनमेंट के बारे में बना करके रखे हैं, हमारे उस सब वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या करना है, रिम अलाइनमेंट मिलाने से पहले स्टील व्हील का अगर आप बिना चक्का खोले बिना टैटू खोले अगर रिम अलाइनमेंट मिला रहे हैं खुद से ही और मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वॉल पिन आप देख रहे हैं वॉल पिन का जो हवा होता है चक्के का जो हवा होता है उसे पूरा आप निकाल लेना है। इस तरीके से हमने देखिए निकाल लिए हैं, निकालने के बाद आपको क्या करना है रिम को इस तरीके से घुमाना है, अब घुमा करके इस तरीके से आपको जो है उंगली रखना है, ठीक है मेडगार्ड तार के पास हो किंबा आपका चैन स्टक है तो यहाँ पर ही आपको रखना है उंगली इस तरीके से, और इस तरीके से मेडगार्ड तार के पास में तो आपको जहाँ सुविधा होता है वहाँ पर उस तरीके से उंगली रख ले। और चलिए हम रिम टाल को पूरा बढ़िया से बनाते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। सो गाइज रिम अलाइनमेंट हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है, हमने पूरे अच्छी तरीके से रिम अलाइनमेंट बना लिए हैं। जहाँ गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपके पास नया साइकिल हो किंबा पुराना साइकिल हो, पुराना साइकिल में क्या होता है कि ऑलरेडी रिम टेप लगा हुआ रहता है लेकिन नया साइकिल में क्या होता है कि जब आप हवा को खोले हैं हवा को खोलने के बाद क्या करना है कि इस तरीके से जैसे क्या होगा कि इस तरीके से जो है आपको टायर को ई करके साइड करके देखना है। जहाँ गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो है रिम में एकदम रिम टेप लगा हुआ है, ठीक है जिसे हम लोग रिम फीता भी बोलते हैं लंगोट भी बोलते हैं, जी हाँ रिम का लंगोट बोलते हैं रिम फीता भी बोलते हैं रिम टेप भी बोलते हैं, तो ये देखिए लगा हुआ होना चाहिए। अगर लगा हुआ नहीं है तो इस तरीका से रिम अलाइनमेंट बिल्कुल ना मिलाएं। जी हाँ गाइज अगर इस तरीका से रिम अलाइनमेंट अगर आप मिलाते हैं और रिम टेप अगर लगा हुआ नहीं है तो आपका ट्यूब जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है खासकर स्टील व्हील्स में। जी गाइस तो ये हमारा रिम टेप लगा हुआ था तो इसीलिए हमने क्या किया कि रिम अलाइनमेंट बिना चक्का खोले हुए बिना टैटू खोले हुए मिलाए हैं और आप लोग को बता दिए हैं कि किस तरीके से बनाना है। टाल का बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं तो वहां से जाकर के टाल किस तरीके से बनाया जाता है आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।